हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, पास एडजस्टमेंट। पास एडजस्टमेंट होती क्या है बेटा? देखो, अकाउंट्स बनाते वक्त हो सकता है अकाउंटेंट से कुछ गलती हो जाए। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि जो रेशियो होगी वो 3:2:1 होगी, बट हो सकता है अकाउंटेंट ने गलती से प्रॉफिट इक्वली बांट दिया हो। हो सकता है पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होगा और गलती से अकाउंटेंट ने 6% पर एनम बांट दिया, या ऐसे कोई भी मेजर चेंज। फॉर एग्जांपल, पार्टनर ने डिसाइड करा कि वो रेशियो 1:1:1 करेंगे, बट सबसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव यानी पहले से। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने डिसीजन तो लिया 1 अप्रैल 2023 को, पर इसको माना कब से? 1 अप्रैल 2021 से, यानी पहले 2 साल से। तो इस चक्कर में जो भी चेंजेस होंगे वो क्या होगा? सारा पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, आओ अब पास्ट एडजस्टमेंट बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस टॉपिक को सीखने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप सीखने हैं। स्टेप नंबर 1, पहले से लिखना, उसके बाद समझना। स्टेप 1, मैं यहां हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज करूंगा, यानी इंग्लिश का यूज करूंगा। अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा है तो उसे वापसी ले लो। ऐसा क्यों? इसका रीजन आपको आगे समझाऊंगा। अगर प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में, यानी रॉन्ग या गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी बांटा है, तो उसे वापसी ले लो। स्टेप नंबर 2, जो सही है वो कर दो, मैं उसे लिखता हूं वो दे दो, ठीक है? ब्रैकेट में लिखूंगा कर दो, बताऊंगा क्या है इसका मीनिंग, पहले लिख लेना मेरे साथ। जो गलत है वो वापसी ले लो, जो सही है वो दे दो, जो सही है उसे दे दो, जो गलत है वो वापसी ले लो। वापसी ले लो यानी रिवर्स कर दो। और लास्ट स्टेप 3, जो बैलेंस बच गया उसे करेक्ट PSR में बांट दो, उसे करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब एक बात जानो, देखो यहां हम एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल को डीकी कॉल में अलग वे से बनाया जाता है, टीएस ग्रेवाल में अलग वे से बनाते हैं, कई टीचर्स इस टेबल की जगह दूसरी टेबल बनवाते हैं, एंड सो मेनी वेज आर देयर। मैं टीएस ग्रेवाल की बेसिस को ही लेके चलूंगा, ठीक है? डोंट वरी, आंसर सबसे सेम आएगा। सो आपको जिससे ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप उससे करिएगा। क्या है, एक बार स्टेप याद कर लो, अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा है तो उसे वापसी ले लो, जो सही है उसे दे दो, जो गलत है उसे वापसी ले लो। थर्ड, जो बैलेंस बच गया उसे करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब कैसे करेंगे, आओ इसके लिए मैं पिक करूंगा डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 47। क्या कहता है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुदित एंड उदय, अच्छा बता दूं ये आपकी टीएस ग्रेवाल में है, एंड आई गेस इट्स क्वेश्चन नंबर 67। ये क्वेश्चन 67 है टीएस के अंदर, ओके? तो आइए क्वेश्चन पढ़ते, क्या कहते हैं। मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। मुदित और उदय पार्टनर्स हैं 2:3 में।
Their capital accounts as on 1st April showed balances of 70,000 and 60,000 respectively. उनके कैपिटल अकाउंट 1st अप्रैल को शो कर रहे हैं इतने इतने का बैलेंस. एक मिनट आगे मत बढ़ना, पहले चेक कर लेते ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग. तो कैसे, जरा नीचे आ जाओ. ईयर एंडेड 31st मार्च 16, 2016 एंड हो रहा है, और 1st अप्रैल 2015 यानी ओपनिंग कैपिटल. वापसी आते हैं. बोथ द अमाउंट्स, द ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर वर 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली. उनकी ड्रॉइंग्स 16,000 और 12,000 की थी. बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1st जैन 2016. दोनों अमाउंट 1st जैन को निकाला गया था. इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. बाद में पता लगा हम ये सारा काम तो करना भूल गए. क्या क्या करना भूल गए? आईओसी देना भूल गए पार्टनर्स को, आईओडी और मुदित की कमीशन 4,000 की. शो यू वर्किंग क्लियरली पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री. हम आपको एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है. आइए अब इसके लिए टेबल बनेगी. किस तरह का फॉर्मेट है? देखो क्या हम लिखेंगे, पार्टनर्स कौन कौन है मेरे, मुदित, उदय और फर्म. डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. आगे पर्टिकुलर्स, टेबल शोइंग पास एडजस्टमेंट. हम यहां लिखेंगे टेबल शोइंग पास एडजस्टमेंट. बेटा ध्यान रखना ये वर्किंग नोट बनता है मेरा, और इस वर्किंग नोट के मार्क्स है. ये वर्किंग नोट नंबर 1 है. इसमें मेन तो डलती एंट्री है, पर वो एंट्री डालने के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना होता है. तो टेबल शोइंग पास एडजस्टमेंट आउ स्टेप्स बाय स्टेप हम करते हैं. सबसे पहला स्टेप क्या था, अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटता है तो उसे वापसी ले लो. जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो प्रॉफिट चेक करो, क्या प्रॉफिट दे रखा है? पार्टनर की कैपिटल है, कैपिटल्स है, ओके. ड्रॉइंग्स है, ओके. कमीशन है, प्रॉफिट ही नहीं दे रखा. क्या प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा है? नहीं. तो स्टेप 1 की जरूरत ही नहीं है. पहला पॉइंट क्लियर, ओके. स्टेप 2 क्या है, जो सही है दे दो, जो गलत है ले लो. सही यानी जो काम करना था. क्या क्या काम करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दो पार्टनर्स को. आईओसी देना था 6% का, तो कितना हो जाएगा, 70,000 का 6%, 70,000 का 6%, दैट इज 4,200. अब एक बात सुनो, पार्टनर को जब हम देते हैं तो डेबिट करते क्रेडिट करते पार्टनर के कैपिटल को, फिर क्रेडिट करते हैं. तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे 60,000 का 3,600 और फॉर्म को डेबिट कर देंगे 7,800, राइट. सिंपल जो है क्रेडिट है वो यहाँ डेबिट हो जाएगा टोटल. आगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी तो करना था. आईओडी एट द रेट 6% पर एनम, बट वेट, द ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर वर 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली. ड्रॉइंग्स थी 16,000 और 12,000 की. बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1st जैन, दोनों अमाउंट्स 1st जैन को निकाले गए थे. तो ड्रॉइंग्स कितने टाइम की हो जाएगी, 3 मंथ्स की, फॉर 3 मंथ्स कर दो. कितना आएगा आपका, मैं यहां कर देता हूं, 16,000 का 6% 3/12 280, तो ये आ गया 240. अब ड्रॉइंग से करते पार्टनर की कैपिटल में डेबिट क्रेडिट, डेबिट करते हैं तो यहां डेबिट 240. इसी तरह 12,000 का कर दो, 12,000 का 6% 3/12 टू
180 कितना हो जाएगा मेरा 420, यहां डेबिट तो फॉर्म में क्रेडिट। एक बात सुनो, ये एक्चुअली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है और फॉर्म का ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। आगे चलते हैं, और क्या था, मुदित को कमीशन देनी थी 4000 की, तो कमीशन मुदित को कमीशन देंगे तो क्रेडिट 4000 और फॉर्म में डेबिट। आई होप यहां तक क्लियर हो। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ और आइटम्स रह गई है, आईओसी देना था, आईओसी आईओडी देना था और कमीशन हो गया ना। अब क्या करो, टोटल करो बेटा, किसका टोल करना है, फर्म का, ध्यान से सुनो, फर्म का टोल करेंगे, फर्म का टोल करो, कहां ज्यादा है, डेबिट साइड 11800, यहां पर भी 11800 लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, यानी 11800 में से 420 माइनस 11380। अब इस 11380 को हमने क्या करना है, जो बच गया, थर्ड स्टेप क्या था, बैलेंस, आपको याद करते हैं, प्रॉफिट गलत रेशियो में है तो वापसी लो, पहला स्टेप नहीं था, जो सही है उसे दे दो, सही क्या था, आईओसी और आईओडी, जो गलत है ले लो, गलतियां पे कुछ थी नहीं, ओके। लास्ट जो बच गया बैलेंस, जो यहां बैलेंस बच गया उससे करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, यानी बैलेंस, अब जो बच गया, बैलेंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशियो में, 2:3 में, तो कितने का बैलेंस है, 11380। आइए कैसे कर लेते हैं, फॉर्म में क्रेडिट तो पार्टनर्स में डेबिट, या देखो 4552 और 6828। अब क्या करेंगे हम, अब टोटल कर देंगे, यहां का टोटल कितना आ रहा है, 2974 4792, यहां का 8200, इसका टोटल करो 801 कैरी 01 7008, इसका 3600। फॉर्म को तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, अब निकालो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4792 माइनस 8200 तो आपका आ जाएगा 3408, यहां से भी चेक करो 3408 ही आएगा, इसे बोलते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट ध्यान सुनना बेटा, जो उनसी साइड ज्यादा है वो लिखेंगे, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो 3408 क्रेडिट, यहां पे डेबिट ज्यादा है। अब जर्नल एंट्री बनाएंगे, क्या एंट्री बनी, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, यानी यूज उदयस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट 3408। ये थी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री, नरेशन डाल देंगे बींग रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास या बींग एडजस्टमेंट एंट्रीज में, राइट, ये था पॉइंट। हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, अगले क्वेश्चन पे चलना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये भी डीके गोयल का है, इलस्ट्रेशन नंबर 50। स्टेप याद कर लो, तीन स्टेप, प्रॉफिट गलत है वापसी लो, जो आइटम सही है उसे दे दो, जो आइटम्स गलत है उसे रिवर्स कर दो, और लास्ट जो बच जाए उससे करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। अटेम्प्ट करो इलस्ट्रेशन 50 राइट नाउ।